सब्सक्राइब कीजिए टॉप सीक्रेट टेक को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे अपने SBI क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट करें। अगर आपने SBI क्रेडिट कार्ड से 2500 से के ऊपर ट्रांजैक्शन किया है तो उसे EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह फैसिलिटी की जरूरत तभी ज़्यादा पड़ती है जब हमारे पास पैसे नहीं होते या किसी शॉपिंग के ऊपर EMI करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल में या डेस्कटॉप पर SBI card.com ओपन करना है। दोस्तों आपको गूगल में सर्च नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पे यही डालना है क्योंकि बहुत से फेक साइट भी होते हैं। तो उसके ऊपर जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पे आ जाते हैं हम SBI card.com/credit card/app/user/login। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम में, यूज़र आईडी में आपका क्रेडिट कार्ड का नाम डालना है और पासवर्ड जो आपने पहले लॉगिन के टाइम सेट करना किया था। यहाँ पे आप वर्चुअल कीबोर्ड जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूज़ वर्चुअल कीबोर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके उसके राइट साइड में जो दिया है न्यूमेरिकल कीज़ और कीपैड, उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उसका ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद ऐसा कुछ UI आपको दिखाई देगा। मैं बाकी जो है, मैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए मैंने बाकी डिटेल्स ब्लर करके रखी हुए है। तो यहाँ पे आपको जाना है और लेफ्ट साइड में माय अकाउंट्स में, जैसे ही यहाँ पे आप माय अकाउंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे माय अकाउंट्स में जाना है तो यहाँ पे अनबिल्ड ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, जो आपका अनबिल्ड ट्रांजेक्शन है। जैसे अनबिल ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करते यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो होने लग जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ट्रांजेक्शन है इसके नीचे आपको मैसेज दिखाई देगा, कन्वर्ट दिस अमाउंट टू फ्लेक्सी पे एंड पे इन EMI। जैसे क्लिक हेयर पे ब्लू पे क्लिक करते तो आप रिडायरेक्ट होते आगे फ्लेक्सी पे के सर्विस के ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जो ट्रांजेक्शन के ऊपर आप फ्लेक्सी पे कर सकते हैं वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो करेंगे। ने यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, इतने ट्रांजेक्शन जो है इसके ऊपर मैं फ्लेक्सी पे का ऑप्शन ले सकता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन कौन से ट्रांजेक्शन के लिए आपको फ्लेक्सी पे करना है। मैंने ये ट्रांजेक्शन के लिए सिलेक्ट कर लिया और शो ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे शो ऑफर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑफर शो करेगा नीचे। यहाँ पे जैसे आप ऑफर पे क्लिक करते हैं यहाँ से आप आपका कालावधि, कितने कालावधि के लिए EMI लेना है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और EMI अमाउंट दिख जाएगा और उसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी आपको यहाँ से दिख जाएगी। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और मुझे वेलकम कॉन्ग्रेचुलेशन का एक मैसेज आ जाएगा जो उसमें लिखा होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट है फ्लेक्सिबल के लिए सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसको फ्लेक्सिबल पे का EMI होने के लिए 4 या 5 डेज का टाइम लगता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।